तो आज अपन मेनली कंडक्टर्स की स्टडी को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो उसमें सबसे पहला जो मैं पार्ट लेने वाला हूँ वो है कि कंडक्टर के अंदर एक कैविटी हो और कैविटी में चार्ज हो या चार्ज ना हो, उसके अकॉर्डिंग इनर आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, तो इसी को मैं स्टडी करूंगा। फिर दूसरा टॉपिक इसमें आएगा कि पैरेलल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, उनको मैंने चार्ज दिया है तो उनकी सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक। तो पहला टॉपिक अपना आज का, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनने वाले हैं। कि चार केस में यहां बना दूंगा, एक कंडक्टर है, इसके अंदर कैविटी है सी, दूसरा एक कंडक्टर है, इसके अंदर ऐसी ही इरेगुलर शेप की कैविटी है, कंडक्टर स्फेरिकल है ना, अभी कंडक्टर है स्फेरिकल शेप का, इसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, चौथा एक कंडक्टर है स्फेरिकल शेप का, इसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है ना। इन चारों में जो बाहर है वो कंडक्टर है और अंदर जो है वो कैविटी। ये सब लोगों को मैं समझा चुका हूं कि अगर इस कैविटी में कोई चार्ज नहीं होगा तो इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, जो भी चार्ज आएगा वो आउटर सरफेस पे है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कैविटी में एक एक चार्ज रख देता हूँ, है ना। पहले केस में वो चार्ज मैं कैविटी के सेंटर पे रख रहा हूँ, मतलब इस पूरे स्फेयर के सेंटर पे, प्लस क्यू। दूसरे केस में मैं इस कैविटी के सेंटर पे ना रख के कहीं साइड में चार्ज रखता हूँ, प्लस क्यू। तीसरे केस में वापस स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पे चार्ज रखता हूँ, प्लस क्यू। और चौथे केस में वापस स्फेरिकल कैविटी के साइड में चार्ज रखता हूँ, प्लस क्यू, है ना। तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, मतलब क्या क्या है, प्लस क्यू क्या है, चार्ज इन कैविटी, और बेटा एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, ये क्या है, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, ये क्या है, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, मतलब मैंने इस केस में भी इस कंडक्टर को चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू, इसमें भी चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू, इसमें भी चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू, और इसमें भी चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने चारों केस में कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया और चारों केस में कैविटी के अंदर एक प्लस स्मॉल क्यू चार्ज को रख दिया, बट चारों केसेस में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। क्या क्या अंतर है, तो पहले केस में वो कंडक्टर के सेंटर पे रखा हुआ है, कैविटी इरेगुलर शेप की है, दूसरे में वो कैविटी के अंदर तो है लेकिन सेंटर पे नहीं है, तीसरे केस में वो स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पे है, और चौथे केस में वो स्फेरिकल कैविटी में तो है लेकिन बाहर बाहर। अब एक चीज सोच के देखो, मुझे बताना क्या है, सुनना, मुझे बताना है कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज, मुझे हर केस में क्या बताना है, इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बात तो फिक्स है कि कैविटी कैसी भी हो, ये जो रीजन है, ये रीजन, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इस रीजन में यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जस्ट अ मिनट, उसी तरह इस रीजन में यहां जहां जहां कंडक्टर है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जहां कंडक्टर है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जहां कंडक्टर है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो कल मैंने जैसा प्रूफ किया था, अगर मैं वही अप्रोच यूज करते हुए आगे बढ़ूं और मान लो मैं यहाँ, ध्यान से सुनना, एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, क्या बनाऊं, यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो
तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। क्या होगा? इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये गॉसियन सरफेस मैंने कंडक्टर के अंदर से पास होती हुई बनाई है और इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कोई फील्ड ही नहीं है, तो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होगा इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज जीरो होगा। क्या जीरो होगा? गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज जीरो। मैं चारों में गॉसियन सरफेस नहीं बना रहा, एक में बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर मैं इस कैविटी को सराउंड करता हुआ कंडक्टर के अंदर अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो इसकी गॉसियन सरफेस क्योंकि कंडक्टर के अंदर से पास हो रहा है, तो इस गॉसियन सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्योंकि इस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। और गॉस लॉ से हम जानते हैं कि अगर इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? जीरो। इस गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे एक चार्ज तो साफ साफ दिख रहा है, कौन सा है? अंदर रखा हुआ प्लस क्यू। अंदर अगर प्लस क्यू है तो टोटल जीरो करने के लिए इनर सरफेस पे कितना आएगा? माइनस क्यू। गुड, है ना? ऐसा सेम चारों केस में होगा। चारों केस में इनर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? माइनस क्यू। बेटा सिर्फ ये आंसर समझना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये जो मैंने अप्रोच बताई वो भी इंपॉर्टेंट था कि गॉसियन सरफेस मानी, गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो होगा तो अंदर टोटल चार्ज जीरो। तो ये तो मुझे समझ आ गया कि चारों केस में इनर सरफेस पे चार्ज कितना है? जीरो। अच्छा, इस रीजन में कहीं भी फील्ड नहीं है, याद रखना, इस रीजन में नेट फील्ड जीरो है। इस रीजन में नेट फील्ड जीरो है। एक बात तो। अब दूसरी बात, कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, है ना? अगर मैं कह रहा हूं अंदर वाले पे माइनस क्यू है, तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज आएगा क्यू प्लस क्यू यूजिंग चार्ज कंजर्वेशन। अगर मैं कहूँ कि मैं चार्ज कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो भाई अगर इनर सरफेस पे चार्ज उसके माइनस क्यू आ गया, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होना चाहिए? क्यू प्लस क्यू। तभी इनर सरफेस और आउटर सरफेस मिलके चार्ज क्या हो जाएंगे? जीरो। यहाँ भी क्या होगा? क्यू प्लस क्यू। यहाँ भी क्या होगा? क्यू प्लस क्यू। यहाँ भी क्या होगा? क्यू प्लस क्यू। तो इन ऑल केसेस, ये चारों केस जो मैंने यहाँ लिखे हैं, इन ऑल केसेस आउटर सरफेस पे चार्ज है क्यू प्लस क्यू और इनर सरफेस पे चार्ज है माइनस क्यू। इन चारों केसेस के लिए बात सही है। अभी तक तो यहाँ देखो कोई डिफरेंस नहीं है ना, अब एक डिफरेंस आएगा, है ना? वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। वो डिफरेंस ये है कि पहले केस में ये जो बाउंड्री है ये इरेगुलर शेप की है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। इनर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी या नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा है, सेंटर पर रखा है तो क्या, ये अंदर वाली कैविटी ही रेगुलर शेप की है, अंदर वाली जो चार्ज होगा वो इरेगुलर शेप के डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा होगा, कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा। यहाँ क्योंकि ये सेंटर पे रखा है और ये स्फेरिकल कैविटी है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिग्मा होगा इनर सरफेस पे, और यहाँ स्फेरिकल तो है लेकिन उसके अंदर सेंटर पे नहीं रखा है, तो यहाँ पे भी कहाँ होगा? नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा। अंदर वाले रीजन में देखो हुआ क्या, एक चीज और समझना, फील्ड लाइन यहां से निकली अंदर से, यहां सरफेस पे टर्मिनेट हो गई। फील्ड लाइन अंदर वाले चार्ज से निकली और सरफेस पे, इनर सरफेस पे टर्मिनेट हो गई। फील्ड लाइन अंदर चार्ज से निकली और इनर सरफेस पे टर्मिनेट हो गई, परपेंडिकुलर है भैया ना। फील्ड लाइन इनर सरफेस, अंदर चार्ज से निकली और इनर सरफेस पे टर्मिनेट
टर्मिनेट हो गई, सरफेस पे परपेंडिकुलरली आएगी, कहीं भी गलत एंगल दिख रहा हो तो उसको मत मानना। और फिर क्या हुआ, फील्ड लाइन आउटर सरफेस से निकली। हर केस में ऐसा ही हुआ कि फील्ड लाइन अंदर से निकली, अंदर वाले सरफेस टर्मिनेट हो गई, अंदर फील्ड जीरो और फिर ऐसे बाहर हुआ। चारों केसेस में ऐसा ही आएगा, है ना। तो अंदर फील्ड जीरो है, अंदर फील्ड क्या है, जीरो। ये फील्ड लाइन यहां से यहां तक, फील्ड लाइन कोई फील्ड लाइन नहीं, फिर वहां से फील्ड लाइन बाहर निकली। तो अंदर की कोई भी फील्ड बाहर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि वो बाउंड्री पे ही टर्मिनेट हो गई। तो मैं अगर कहूं कि क्या अंदर वालों का कोई इफेक्ट बाहर पहुंच पा रहा है, तो आंसर है नहीं। मैंने क्या बोला, अंदर वालों की कोई भी फील्ड लाइन बाहर पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि कंडक्टर के थ्रू कोई फील्ड लाइन जा ही नहीं रही है। तो अंदर वाले का कोई इफेक्ट बाहर आ पा रहा है क्या, आंसर है नहीं। अंदर वाले का कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं जा पा रहा है। तो अगर अंदर वाले का कोई इफेक्ट बाहर नहीं जा पा रहा है, तो आउटर सरफेस सिग्मा आउटर, बाहर वाले को तो पता ही नहीं है कि अंदर चार्ज सेंटर पे रखा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो आउटर सरफेस का सिग्मा यूनिफॉर्म है चारों केसेस में, क्यों, क्योंकि चारों केसेस में मैंने स्फेयर माना है जिसकी रेडियस हर जगह इक्वल है। आउटर सरफेसेस स्फेयर, स्फेयर है, सेम रेडियस है हर जगह, तो हर जगह चार्ज भी सेम होगा, है ना। तो इस केस में मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने चार केसेस लिए, चारों के अंदर मैंने कंडक्टर माना, कंडक्टर के अंदर एक एक कैविटी मानी, कैविटी दो में रेगुलर शेप की थी, दो में इरेगुलर शेप की थी, उस कैविटी के अंदर मैंने चार्ज रखा। तो फिर मैंने कहा कि अगर कैविटी के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो चारों केसेस में जो इनर सरफेस पे चार्ज आएगा वो माइनस क्यू आएगा, और जो आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा वो आएगा टोटल चार्ज Q प्लस क्यू, पहली बात। दूसरी बात, अगर अंदर वाली सरफेस इरेगुलर है तो उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इरेगुलर होगी, ये अपन जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी चारों केसेस में रेगुलर, इनर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी थी, अगर मैंने वो स्फेरिकल कैविटी मानी होती और उसमें चार्ज को सिमेट्रिकली उसके सेंटर पर रख दिया होता, तो उसमें चार्ज डेंसिटी रेगुलर आती, यूनिफॉर्म आती, जो थर्ड केस में था, बाकी चारों में नॉन यूनिफॉर्म है। ये बेसिक सी बात ही, चार्ज डेंसिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं, बेसिकली अपने को हर सरफेस का चार्ज लिखना आना चाहिए। अगर सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू है, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू, आउटर सरफेस पे क्यू प्लस क्यू। बेटा ये कंडक्टर के अंदर जो फील्ड जीरो है ना, समझना मेरी बात, एक चीज और यहाँ बता रहा हूँ वैसे जानकारी के लिए, यहां चार्ज माइनस क्यू था तो यहां प्लस क्यू क्यों आया, इसलिए आया ताकि यहां फील्ड जीरो हो जाए। ये जो जीरो फील्ड है ना, ये तीन फील्डों का रिजल्टेंट है, बाहर वाले स्फेयर की फील्ड, अंदर वाले चार्ज की फील्ड और इस इंड्यूस चार्ज की फील्ड, इन तीनों का सम मिलके यहाँ क्या हो जा रहा है, जीरो। अंदर नेट फील्ड जीरो हो रही है, सबकी मिली हुई फील्ड अंदर क्या है, जीरो, देयर इज नो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, है ना। अच्छा, उसमें भी आप सोच सकते हो कि इसकी फील्ड तो अंदर है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर। आप सोच के देखो, चारों केस में बाहर वाला क्या है, एक हॉलो स्फीयर, इसकी फील्ड तो अंदर होती नहीं है, इसका मतलब इस हर पॉइंट पे इन दोनों की फील्ड मिलके क्या हो रही है, जीरो। भाई बाहर वाला है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, हॉलो स्फीयर चारों केसेस में, है ना। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो है, इसकी वजह से तो कोई फील्ड होगी ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो। तो जो भी फील्ड बची, कौन कौन सी बची, इनर सरफेस और अंदर का चार्ज, उसकी फील्ड मिलकर यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो। अभी मैं कुछ और बातें लिखवाऊंगा, पहले ये बेसिक बेसिक चीज लिख लो जल्दी सब लोग। चलिए बेटा, जो लोग अभी ऐड हो रहे हैं ना, टाइम पे आया करो, क्लास चल रही है। चलिए, अब जैसे
इसी में एक केस और लेता हूं मैं, पांचवा केस। ये चार केस तो ऐसे हो गए, है ना, पांचवा केस एक और केस लेता हूं। मान लो अब मैं अंदर वाली कैविटी ना स्फेरिकली मानता हूं, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। इस कैविटी के अंदर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू वन और बाहर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू टू, है ना। कंडक्टर न्यूट्रल है, तो कंडक्टर इज न्यूट्रल। अब क्या होगा? तो अब आप कहोगे कि एक तो अंदर आपने प्लस क्यू रखा है तो इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू वन, कितना हो जाएगा माइनस क्यू वन। आपने बाहर रखा है प्लस क्यू वन तो इनर सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा माइनस क्यू वन। तो आई क्यू ऑन इनर सरफेस इज इक्वल टू माइनस क्यू वन और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर वाला चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्लस क्यू वन इज एट सेंटर, तो अंदर फील्ड जीरो होने के तरीके से हर जगह यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना। यहाँ पे फील्ड कितनी? जीरो। अच्छा कंडक्टर कैसा है? न्यूट्रल। तो कंडक्टर न्यूट्रल है तो अगर मैं कह रहा हूं उसकी इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू आ गया तो उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? प्लस क्यू। क्यों आया? क्योंकि कंडक्टर इज न्यूट्रल दे रखा है, यहाँ उस पर चार्ज प्लस कैपिटल क्यू नहीं था, कितना है? न्यूट्रल। तो इनर सरफेस पे चार्ज अगर माइनस क्यू वन आया तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा? प्लस क्यू वन। इसका मतलब ये जो आउटर सरफेस है इस पे चार्ज कितना आएगा? प्लस क्यू वन, है ना। ठीक, ये कहां से आया? कंडक्टर इज न्यूट्रल, कंडक्टर इज न्यूट्रल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब ये जो Q1 होगा बाहर वाला प्लस Q1, ये जो मैंने बाहर प्लस Q1 माना है, ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? अगर हमसे ये सोचने को कहा जाए तो हम कहेंगे बेटा क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है तो ये चार्ज क्या करेगा? निगेटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर लेके जाएगा। तो जो बाहर की सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने ये प्लस वाली ड्रॉ की है, ये ऐसा यूनिफॉर्म इस बार नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म नहीं होगा बल्कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। एक मिनट रुक जाओ। ये सब कुछ सही है। हाँ, ये माइनस क्यू वन था, ये प्लस क्यू वन है, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। और नॉन यूनिफॉर्म भी कैसा होगा? यहाँ थोड़ा पास में चार्ज कम होगा और यहाँ दूर दूर जो चार्ज होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, प्लस क्यू वन। ठीक, तो इस बार जो क्यू आउटर आएगा दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। और ये क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? Due to presence of Q2, है ना। अब सुनना ध्यान से, इस बार क्या हुआ? इस बार बेटा ऐसा हुआ कि आपने अंदर एक चार्ज रखा सेंटर पे सिमेट्रिकली प्लस Q1, तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना आ गया? माइनस Q1। तो बाहर वाली सरफेस पे चार्ज कितना आ गया? प्लस Q1, चार्ज न्यूट्रलिटी से। और यहाँ पे आपने एक Q2 रखा, इस Q2 की फील्ड के कारण बाहर वाली सरफेस का चार्ज अफेक्टेड हुआ लेकिन अंदर वाली सरफेस का चार्ज अफेक्टेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ कोई फील्ड नहीं है, समझो उस चीज को। इस बीच में कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है इसका मतलब बाहर का इफेक्ट अंदर नहीं आ रहा और अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं जा रहा। बाहर और अंदर दो सिस्टम है, इनसाइड सिस्टम आउटसाइड सिस्टम। इनसाइड सिस्टम में दो चीजें हैं, अंदर का चार्ज और अंदर की सरफेस का चार्ज।
आउटसाइड सिस्टम में दो चीजें हैं, बाहर का चार्ज और बाहर की सरफेस का चार्ज, और इन दोनों रीजन को सेपरेट कर रहा है ये कंडक्टर का रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अंदर का कोई इफेक्ट बाहर नहीं आ पा रहा, बाहर का कोई इफेक्ट अंदर नहीं आ पा रहा। तो अगर मैं इस चार्ज को देखो यहां से, अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां घुमाऊं, तो इस चार्ज के मूव करने से अंदर वाले के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं अंदर वाले चार्ज को मूव कराऊं तो उससे अंदर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, बाहर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। तो कहते हैं हमारे पास दो सिस्टम है, एक इनसाइड सिस्टम, इनसाइड सिस्टम में दो चार्जेस हैं, अंदर रखा चार्ज और इनर सरफेस का चार्ज। एक है आउटसाइड सिस्टम, वो है आउटसाइड रखा चार्ज और आउटसाइड सरफेस का चार्ज। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब बाहर वाले में कोई चेंज करे तो अंदर वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, अंदर वाले में कोई चेंज करे तो बाहर वाले में कोई चेंज नहीं आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। चार्ज की वैल्यू में तो आएगा कि प्लस क्यू वन है तो माइनस क्यू वन है, यहाँ प्लस क्यू वन डैश होता तो माइनस क्यू वन डैश होता, तो वो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप फोर्सेस की बात करो ना, तो इस पे जो फोर्स आएगा, इस चार्ज पे फोर्स, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इस चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो इसकी वजह से, अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, इसकी कोई फील्ड अंदर नहीं आ रही है। इस पे जो नेट फोर्स आएगा ये इस बाहर वाले चार्ज की वजह से है। इस रीजन में जो फील्ड जीरो है वो फील्ड जीरो किसकी वजह से है, सबकी वजह से नेट फील्ड जीरो है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। इस रीजन में जो जीरो फील्ड है वो नेट फील्ड जीरो है, चारों की वजह से या दोनों सिस्टम की वजह से नेट फील्ड अंदर क्या है, जीरो। तो नेट फील्ड क्यों है भाई, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही इसीलिए है कि अंदर नेट फील्ड क्या हो जाए, जीरो। ये बेसिक बेसिक बात थी कंडक्टर के कैविटी के बारे में, जहां मैंने आपको मेनली ये समझाया कि दो तरह के सिस्टम है, एक इनर सिस्टम और एक आउटर सिस्टम, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखो, जैसे मैं इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस जो कंसेप्ट सिखाया उस पे बेस्ड, कि बेटा मान लो दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है ना, ये दो कंडक्टर्स हैं, दो स्फेयर्स, ठीक है। इस पे चार्ज है Q1, इसकी रेडियस है R1, इस पे चार्ज है Q2, इसकी रेडियस है R2, और इसके अंदर एक चार्ज रख दिया सेंटर पे प्लस Q, ये भी सब प्लस है ना, प्लस प्लस है ना, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, रेडियस R1 R2 आपको दे रखी है और उसके सेंटर पे चार्ज है Q। अब सुनना, मैं अगर बात करूं यहाँ कितनी सरफेस है, तो यहाँ चार सरफेस है, वन टू थ्री फोर, ये सबको समझ में आता है, यहाँ पे चार सरफेस है, ये बीच में हॉलो पार्ट है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, एक अंदर का स्फीयर है, एक बाहर का स्फीयर है, उनके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, इस पे टोटल चार्ज प्लस Q1 है, इस पे टोटल चार्ज प्लस Q2 है, तो टोटल चार सरफेस है, मानते हो क्या, अंदर वाले सरफेस की इनर सरफेस, अंदर वाले शेल की इनर सरफेस आउटर सरफेस, बाहर वाले शेल की इनर सरफेस आउटर सरफेस। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ना इन चारों सरफेस पे चार्ज बताना है, क्या करना है आपको, चारों सरफेस पे चार्ज बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले अंदर चार्ज प्लस क्यू है, कितना है प्लस क्यू, तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू, क्यों होगा। अब जरा सोचो कि वापस मैं इस वन और टू के बीच से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, कहां से, ये वन और टू जो सरफेस बनेगी, ये हल्के से मोटे होंगे ना, ये वन होगा और ये टू होगा, इसके बीच से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, उस गॉसियन सरफेस से फील्ड जीरो आएगी, तो उससे फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो। मतलब मैंने क्या किया,
वापस वही कंसेप्ट कि अंदर चार्ज प्लस क्यू है तो अंदर वाली सरफेस पे कितना आएगा माइनस क्यू। क्यों आएगा माइनस क्यू, वापस वो रीजन सोचो कि मैं वन और टू के बीच भले ही पतली सी शेल है लेकिन उसके अंदर कंडक्टर तो है, तो उस कंडक्टर से होता हुआ अगर एक गॉसियन सरफेस बनाओ तो उसके अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए, तो ये वन का चार्ज है। टू का चार्ज निकाल सकते हो बेटा चार्ज कंजर्वेशन से, इनर सेल पे टोटल चार्ज था प्लस क्यू, अंदर वाले सरफेस पे आ गया क्यू माइनस क्यू, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना जाएगा प्लस क्यू टू प्लस क्यू, कितना आया प्लस क्यू टू प्लस क्यू। मैं यहाँ साइड में लिख भी दे रहा हूँ, वन सरफेस पे चार्ज है माइनस क्यू, टू सरफेस पे चार्ज है क्यू टू प्लस क्यू, ये कहाँ से आया चार्ज कंजर्वेशन से, चार्ज कंजर्वेशन से। अब थ्री पे चार्ज, अब वापस सोच के देखो अगर मैं थ्री और फोर के बीच बीच से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, यहां से थ्री और फोर के बीच बीच से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा बेटा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज क्या होना चाहिए जीरो। इसके अंदर कौन कौन से चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, टू वन और प्लस क्यू। देखो ध्यान से इन दोनों का चार्ज तो जीरो था, तो अगर यहाँ पे चार्ज क्यू टू प्लस क्यू है तो ये चार्ज आएगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सोच के देखो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो भी गॉसियन सरफेस होगा उसका टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, वन और अंदर का चार्ज मिलके पहले से जीरो हो चुके हैं, तो थ्री और टू का चार्ज मिलके क्या होना चाहिए जीरो। बचा क्या क्यू फोर, क्यू फोर कितना आएगा, अंदर वाली सरफेस पे चार्ज आ गया माइनस दिस टोटल चार्ज है क्यू वन, तो क्यू फोर आएगा बेटा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू। यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर रहा हूं कि आमने सामने वाली सरफेस पे चार्ज इक्वल ऑपोजिट आ रहे हैं, इन दोनों पे इक्वल ऑपोजिट, इन दोनों पे इक्वल ऑपोजिट, ये चीज ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको मैं एक बार बेसिक बेसिक वापस से समझाऊं तो ध्यान से सुनना क्या हुआ, अंदर चार्ज रखा था प्लस क्यू तो अंदर वाली सरफेस पे चार्ज आया माइनस क्यू, वही गॉस लॉ वाली थ्योरी से कि वन और टू सरफेस के बीच से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मानेंगे उसके अंदर फील्ड जीरो होनी चाहिए, तो अंदर का टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन से क्यू टू का चार्ज निकाल लिया, अब मुझे इस थ्री का चार्ज लिखना है, तो मैं कहूंगा मैं वापस इसके अंदर अंदर, ध्यान से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वापस अंदर अंदर एक गॉसियन सरफेस माना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इसके इनर सरफेस का चार्ज, इसकी दोनों सरफेस का चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों का सम पहले जीरो हो चुका है तो इसका टू और थ्री का सम जीरो होना चाहिए, वन और टू का सम, वन और अंदर वाले का सम पहले जीरो होगा, टू और थ्री का सम जीरो होने के लिए अगर ये क्यू टू प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई। इस पे टोटल चार्ज पता है, इसके इनर सरफेस पे चार्ज पता चल गया तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज लिख दिया, तो मैं ऐसे ही हर सरफेस का चार्ज लिख सकता हूँ। ठीक, जल्दी लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, इसी में इसी चार्ज शेयरिंग का ही है, चार्ज शेयरिंग ऑन पैरेलल प्लेट्स, चार्ज शेयरिंग ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स पर चार्ज शेयरिंग सीखेंगे, है ना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंडक्टर के अंदर फील तो जीरो ही होती है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट केस सिंपल, कि आपके पास एक चार्ज शीट है, वी हैव वन चार्ज शीट विथ टोटल चार्ज क्यू, हमारे पास एक चार्ज शीट है जिसपे टोटल चार्ज कितना है क्यू। बेटा आप जानते हो एक भी शीट है लेकिन इसमें दो सरफेस होगी, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, है ना। अब आपको बताना है कि वन पे चार्ज कितना होगा और टू पे चार्ज कितना होगा, आंसर है Q
q1 इक्वल टू q2 इज इक्वल टू कैपिटल q/2, है ना। वन चार्ज शीट आइसोलेटेड है, अगर ये चार्ज बात अपन पहले भी सीख चुके हैं, दोनों पे इक्वल इक्वल बढ़ जाता है। मैं यहाँ बस इसको प्रूव कर रहा हूँ कि अगर हम एक शीट लेते हैं और उस शीट को क्यू चार्ज देते हैं, आइसोलेटेड शीट को अगर क्यू चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज दोनों सर्फेसेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। मुझे तो नहीं पता कितना चार्ज होगा, तो मान लेता हूं यहाँ चार्ज q1 है और यहाँ चार्ज q2 है ना। इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा। एक बीच में एक पॉइंट ले रहा हूं P, एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्यों? ये P पॉइंट इनसाइड कंडक्टर है, कहाँ है? इनसाइड कंडक्टर। अभी मुझे दोनों चार्जेस का साइन नहीं पता, तो मैं दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। अब बेटा सोच के देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्चुअली दो प्लेटें हैं भाई, वन वाली एक प्लेट की तरह बिहेव करेगी, टू वाली एक प्लेट की तरह बिहेव करेगी। ये प्लेट Q1 है, ये प्लेट Q2 है। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है। Q1 वाले प्लेट की फील्ड क्या आएगी? Q1 अपॉन 2 ε0, 2 ε0। और Q2 वाले फील्ड की प्लेट की फील्ड क्या आएगी? Q2 / 2 ε0। तो आप कहोगे इसकी फील जीरो होने के लिए 1 की फील एक तरीके से इधर होगी और 2 की फील एक तरीके से इधर होगी। तो E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए। तो E1 इक्वल टू E2 कब होगा? E1 होगा Q1 अपॉन 2 ε0, प्लेट की फील लिखनी आती है, इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2 ε0। ये कैंसिल होगा और ये आएगा Q1 इक्वल टू Q2। अगर ये Q1 Q2 इक्वल नहीं हुए तो इस पूरी शीट के अंदर फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती। तो इस फील्ड के, इस शीट के अंदर फील्ड जीरो है, इसका मतलब इस शीट की दोनों सरफेस पे चार्ज इक्वल और इक्वल आएगा, बाय टू और बाय टू। तो हम जितना भी चार्ज देंगे एक आइसोलेटेड चार्ज शीट को, वो दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? मैंने क्या बेसिक कंसेप्ट यूज किया कि मैंने अंदर एक चार्ज मान लिया, एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट पे दोनों की फील्ड मिलके जीरो होनी चाहिए। तो दोनों की फील्ड इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए। दोनों की फील्ड को लिख के मैंने उसको इक्वल कर दिया। एक तरीके से इसको और आप लिख सकते थे, आपको मान लो टोटल नहीं पता, देखना ध्यान से। आप तो कहोगे सर चार्ज का साइन कैसे पता था कि आपने ऐसे लिख दिया? तुम एक काम करो, इस पे क्यू मान लो और इस पे क्यू माइनस क्यू मान लो, है ना। तुम्हें फील्ड साइन के साथ नहीं पता, ये जो फॉर्मूला होता है ना क्यू अपॉन 2 ε0, इसमें ना ये सीधा इस फॉर्मूले में चार्ज को ना वैल्यू के साथ रख देना। तो अगर क्यू पॉजिटिव है तो वो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर क्यू निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो अब तुम लिखना यहाँ पॉइंट फील्ड पे फील्ड जीरो करने के लिए ईपी इक्वल टू जीरो। EP किसकी वजह से? Q की वजह से भी प्लस Q माइनस Q की वजह से भी जीरो। अब इसको लिखो, Q की वजह से फील्ड Q अपॉन 2 ε0, Q माइनस Q की वजह से फील्ड Q माइनस Q अपॉन 2 ε0। डायरेक्शन इस तरफ आएगी, इसे यहां माइनस करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। नेट करोगे वही आएगा। एक तरीका ये भी है, बट अभी अपने लिए ज्यादा बेटर पहला वाला ही है कि अपन दोनों पे चार्ज मान लें, Q1 Q2, है ना। उसको अभी अपन पॉजिटिव चार्ज मान के ही दोनों के फील्ड को मैंने इक्वेट कर दिया। दूसरा तरीका अपने पास ये भी था कि अपन क्यू और क्यू माइनस क्यू मान लेते और वो आधा आधा आ जाता। अभी तो अपन ने Q1 Q2 मान लिया, इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होने के लिए दोनों के फील्ड इक्वल और ऑपोजिट। तो इक्वल ऑपोजिट से मैंने इक्वल कर दिया, ऑपोजिट तो दोनों को प्लस चार्ज मान लिया है, है ना। कोई माइनस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने आप आ जाएगा, सॉल्व होके आ गया वो Q1 इक्वल टू Q2। तो अगर मैं एक आइसोलेटेड शीट को चार्ज देता हूँ तो चार्ज उसकी दोनों सर्फेसेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपको मैं पहले एक बार बता भी चुका हूँ, तब मैंने रीजन नहीं बताया था।
क्योंकि बेटा अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पी पॉइंट पे फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो पाएगी। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होने के लिए दोनों सर्फेसिस पे चार्ज इक्वल बटने चाहिए। याद रखना ऐसा तभी होगा जब वो शीट आइसोलेटेड। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन मान लो। अब दो शीट है, अभी तक एक शीट थी, अब दो शीट है ना। इसको चार्ज दिया है Q1, इसको चार्ज दिया है Q2, सिर्फ यही दो शीट है आसपास और कुछ भी नहीं है। अब बेटा वापस आप ये तो जानते हो कि सरफेस चार है, कितनी सरफेस है, चार, इसकी वन टू थ्री फोर, चार सरफेस है। तो आपको ना चारों सरफेस पे चार्ज निकालना है। बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ये सीख गए तो इसके आगे पीछे वाले सारे सीख जाओ। ये चार सरफेस है, चारों सरफेस पे चार्ज निकालना है। तो मुझे तो नहीं पता चार्ज कितना होगा, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं इस पे चार्ज है x, इस पे कितना चार्ज है x, तो इस पे चार्ज होगा q1 minus x by charge conservation। और मान लेते हैं इस पे चार्ज है y, तो इस पे चार्ज कितना होगा q2 minus y, कितना होगा q2 minus y। मैंने मान लिया इस पे x तो इस पे q1 minus x, इस पे y तो इस पे q2 minus y। अब देखना मैं दो कंसेप्ट यूज करूंगा। पहला कंसेप्ट बेटा मैं देखना ध्यान से गॉसियन सरफेस बना लू, मान लो कि पूरे पूरे पे ले लिया है ना, पूरे को अंदर ले लिया है ना, ऐसा है। मैं गॉसियन सरफेस बनाया मैंने, इस रीजन में फील कैसी होगी, कुछ ऐसी है ना, ऑब्वियस सी बात, ऐसी या इसके ऑपोजिट हो सकती है लेकिन होगी तो प्लेट्स के परपेंडिकुलर। मैं कहूंगा इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स जीरो, इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना है जीरो। क्यों जीरो है टोटल फ्लक्स, देखना इस सरफ यहां कोई फील्ड ही नहीं है, यहां फील्ड है क्या, नहीं, यहां फील्ड नहीं है तो इससे फ्लक्स जीरो, यहां फील्ड नहीं है तो इससे फ्लक्स जीरो, यहां और यहां इन दोनों सरफेसेस के लिए फील्ड लाइन एरिया के पैरेलल है। देखो ध्यान से, ये एरिया है और ये फील्ड लाइन है, तो इससे भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो बेटा इससे भी अगर कोई फ्लक्स नहीं होगा तो इसका मतलब आप कहोगे इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना है, जीरो। मैंने क्या किया, दोनों प्लेट्स के अंदर से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस माना, ऐसा इनक्लोज्ड करता हूं। तो अगर मैं कहूंगा कि गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब जो अंदर वाली सरफेसेस के चार्ज है क्यू वन माइनस एक्स प्लस q2 minus y equal to क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब यहां से आ गया x plus y is equal to q1 plus q2। पहला रिलेशन कितना आ गया, x plus y is equal to q1 plus q2। ये पहला रिलेशन, ये कहां से बनाया मैंने, गॉसियन सरफेस से। अब देखना मैं दूसरा रिलेशन बनाऊंगा। दूसरा रिलेशन ये कहता है कि अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट मानो ये P, तो इस P पॉइंट पे नेट फील्ड क्या आएगी, इस P पॉइंट पे नेट फील्ड क्या आएगी, तो आंसर है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अच्छा, ये जीरो फील्ड कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि तो ये कंडक्टर है। अब मैं इस जीरो फील्ड को चारों की फील्ड के टर्म में लिख दो, चारों की फील्ड लिखो और उसके सम को अगर आप जीरो करो, तो फिर मान लेते हैं चारों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। इसके इधर चार्ज x है और इसके इधर एक प्लेट पे q माइनस x है, एक पे q टू माइनस y है, एक पे y। तो आप लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
लेफ्ट भाई वापस वही कहानी कि मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे फील्ड जीरो है, तो इसके इधर वाले प्लेट्स पे चार्ज एक, मतलब ऐसे बांटने पड़ेंगे अपने को। तो ई एक्स एक्स वाले की फील्ड इक्वल टू ई ऑफ क्यू वन माइनस एक्स प्लस ई ऑफ क्यू टू माइनस वाई प्लस ई ऑफ वाई। सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया अभी सारे चार्जेस पॉजिटिव ही हैं, इस पॉइंट पे फील्ड इस वाले प्लेट की फील्ड इधर की तरफ होगी, है ना, ये रही ई ऑफ एक्स। अब इस प्लेट की फील्ड इधर, इस प्लेट की फील्ड इधर, इस प्लेट की फील्ड इधर, तो इधर वाले तीनों प्लेट मतलब इस पी पॉइंट के लेफ्ट वाले की फील्ड ये रही, इस पी पॉइंट के राइट वाले की फील्ड ये रही। ये बात समझ में आया क्या, पी के लेफ्ट वाला एक ही है, इसकी फील्ड इक्वल टू पी के राइट वाले की फील्ड ये रही। जरा सबकी फील्ड के फॉर्मूले लिख दो, फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, सो इट इज एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू वन माइनस एक्स। मैंने जो मैथड बता रहा हूँ वो भी सीखना, टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू टू माइनस वाई अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस वाई अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये तो हर जगह से कैंसिल होगा, तो यहां से बनेगा x इक्वल टू क्यू वन माइनस एक्स प्लस क्यू टू माइनस वाई प्लस वाई। क्या आया, x इक्वल टू क्यू वन माइनस एक्स प्लस क्यू टू माइनस वाई प्लस वाई। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहा हूं ये समझना। ये क्या कहा मैंने, नेट फील्ड जीरो। नेट फील्ड जीरो मतलब इसके लेफ्ट वाले की फील्ड इक्वल टू इसके राइट वाले की फील्ड। क्या कहा, इसके लेफ्ट वाले की फील्ड इक्वल टू इसके राइट वाले की फील्ड। ऐसा तभी हो सकता है जब इसके लेफ्ट का चार्ज, इस पी पॉइंट के लेफ्ट में कितना चार्ज है एक्स, और इस पी पॉइंट के राइट में कितना चार्ज है दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये इक्वल हो जाए। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाई से वाई कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा टू एक्स इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू, सो एक्स इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स आ गया तो वाई भी आ जाएगा। अब देखना, मैं आपको जादू दिखाऊंगा, ये तो मैंने आपको डेरिवेशन बताया, इसकी कोई जरूरत नहीं होने वाली, आप सीधा आंसर बताओगे, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो रिजल्ट आया मैं उसको इस डायग्राम में लिखूंगा, मुझे ये पता है इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। इस सरफेस पे चार्ज आया Q1 प्लस Q2 by 2, ठीक है, यही आया। देखो x की वैल्यू Q1 प्लस Q2 by 2, इधर चार्ज आएगा Q1 माइनस x, जरा इसको माइनस करके देखो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 by 2 करोगे, देखो कितना आएगा Q1 माइनस Q2 by 2। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आया Q1 माइनस Q2 by 2। या देखो y कितना आया, x प्लस y की वैल्यू कितनी है Q1 प्लस Q2, तो y की वैल्यू कितनी आई Q1 प्लस Q2 माइनस x, तो y की वैल्यू यहाँ पे चार्ज Q1 प्लस Q2 माइनस x एंड x इज Q1 प्लस Q2 by 2। ध्यान से देखो ये इक्वल आ गए, और ये चार्ज निकालोगे ना तो ये आएगा माइनस क्यू वन, माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू बाय टू है। अब देखो ध्यान से क्या बताया मैंने, ये नीचे क्या लिख दिया मैंने, ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल है, और ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल और ऑपोजिट है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूंगा, तो
अगर ऐसी दो प्लेट्स हैं Q1 और Q2, तो बाहर वाली सर्फेसेस पे चार्जेस इक्वल होते हैं, और कितने होते हैं? Q1 प्लस Q2 बाय 2, Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये बाहर वाली सरफेस के चार्ज है। अंदर वाली सरफेस के चार्ज इक्वल और ओपोजिट होते हैं, मतलब इसको अगर मैं कुछ स्मॉल क्यू मानूंगा तो ये माइनस क्यू होगा, ये क्यू तो ये माइनस क्यू, तभी इनका सम क्या होगा? जीरो। और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल होते हैं। स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। कंक्लूजन बता रहा हूं, अगर दो प्लेट्स ऐसे आमने सामने रखी हैं तो बाहर वाली प्लेट्स पे चार्ज बाहर वाली सरफेसेस से चार्ज इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं? Q1 प्लस Q2 बाई 2। और अंदर वाली सरफेसेस पे चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, और उसकी वैल्यू वैसे तो ये होती है Q1 माइनस Q2 बाई 2, लेकिन उसको आप ऐसे सोच सकते हो कि टोटल चार्ज में से किसी एक का माइनस करें। ठीक, ये इसका प्रूफ है जो मैंने प्रूफ किया। प्रूफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये गॉस लॉ वाला। इस गॉस लॉ से क्या प्रूफ हुआ बेटा? देखो ध्यान से, ये दोनों चार्जेस का सम जीरो है। देखो ध्यान से, इस गॉस लॉ से क्या प्रूफ हुआ है? ये प्लस ये जीरो है, इसका मतलब ये और ये जीरो है, इसका मतलब इनर सरफेस पे चार्जेस कैसे होते हैं? इक्वल एंड ओपोजिट। ये बात समझ में आई? गॉस लॉ वाले से प्रूफ हुआ दिस प्लस दिस। कंक्लूजन सुनो ध्यान से, यही काम का है। गॉस लॉ वाले से प्रूफ हुआ दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इनर सरफेस पे चार्जेस इक्वल और ओपोजिट होते हैं। देखो, इनर सरफेस पे चार्जेस इक्वल और ओपोजिट होते हैं। अब ये सुनो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स इक्वल टू दिस, इसका मतलब इसके लेफ्ट का चार्ज इक्वल टू इसके राइट का चार्ज, इसके लेफ्ट का चार्ज ये रहा, इसके राइट का चार्ज ये रहा, ये सब मिलके तो जीरो ही है। तो ये नेट अपना कंक्लूजन है। जैसे मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। मान लेते हैं, आप पता चल जाए कितना आसान है। इस पे चार्ज है मान लेते हैं 3Q, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q। मैं आपसे पूछूं, बताओ हर सरफेस का चार्ज। तो इस सरफेस का चार्ज देखना ध्यान से, दिस प्लस दिस बाय 2, तो 3Q प्लस Q बाय 2 कितना हुआ? 2Q। इस सरफेस का चार्ज भी 2Q। अभी मैंने क्या यूज किया कि बाहर वाले सरफेसेस पे चार्ज इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं? दिस प्लस दिस बाय 2। अब मुझे अंदर की सरफेस पे चार्ज निकालना है। भाई इस पे टोटल चार्ज 3Q, बाहर वाले पे आया 2Q, तो बचा कितना? Q। इस पे टोटल चार्ज क्यू, इस पे आ गया 2Q, तो इस पे कितना? क्यू माइनस 2Q माइनस क्यू। देखो चारों सरफेस का चार्ज आ गया। इसी चीज को मैंने आपको यहाँ ना वेरिएबल की टर्म में बताया। ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। दो प्लेट आमने सामने रखे हुए हैं, तो पहला कंक्लूजन, इनर प्लेट्स पे चार्ज इक्वल और ओपोजिट होते हैं, आउटर प्लेट्स पे चार्ज इक्वल होते हैं। मल्टीपल प्लेट्स में भी ये बात सही होगी कि इनर प्लेट्स पे चार्ज आमने सामने वाली सरफेसेस पे चार्ज इक्वल ऑपोजिट होंगे, और आउटर प्लेट्स पे चार्ज एक सबसे आउटर मोस्ट प्लेट पे चार्ज इक्वल होंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, एक बार इसको खुद जाके घर पे करना। अगला क्वेश्चन सिंपल वाला है, दो प्लेट्स का ही, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर का मतलब इक्वल ऑपोजिट चार्ज। This is called capacitor. इस पे प्लस क्यू दे दिया, इस पे माइनस क्यू दे दिया, है ना? वापस चार सरफेस है, 1, 2, 3, 4। सब लोग चारों सरफेस का चार्ज बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के। सब लोग चारों सरफेस का चार्ज, सीक्वेंस में उनकी वैल्यूज लिख दो। सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4 पे चार्जेस की सीक्वेंस में वैल्यू लिख दो चैट बॉक्स में। सब लोग चारों प्लेट का चार्ज बताएंगे, सीक्वेंस में चारों की वैल्यू लिख दो। एक प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, एक पे है माइनस क्यू। गुड, कुणाल का आंसर सही है। स्नेहिल का भी सही है। सिंपल सा बताया था ना, बाहर वाले कैसे निकालते हैं। सौम्या क्या लिखा बेटा, ध्यान से देख लो।
ये हो सकता है क्या आंसर? दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज कंजर्वेशन लगना चाहिए ना। अजय सही है। सौम्या आपके आंसर में आप देखो क्या प्लेट वन का टोटल चार्ज प्लस क्यू आ रहा है क्या? अमित तुमने सीक्वेंस उल्टा लिखा। उत्कर्ष सही है। रवि सही है बिल्कुल। अमित तुमने चार्ज उल्टा लिखा है बीच वाला दोनों। बाहर वाली सरफेस का चार्ज कैसे निकालते हैं? Q1 प्लस Q2 बाई टू। कैसे निकालते हैं? Q आउटसाइड दोनों का इक्वल आता है। Q1 प्लस Q2 बाई टू सम करो 0, तो इस पे 0 इस पे 0। पहला काम तो हो गया। अब जरा सोच के देखो इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था पहली प्लेट पे। हाँ अब सही है। प्लस क्यू इस सरफेस पे कितना आया? 0, तो इस पे कितना आएगा? प्लस क्यू। इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था? माइनस क्यू। इस पे कितना आया? 0, तो इस पे कितना आएगा? माइनस क्यू। हो गया 0 प्लस क्यू माइनस क्यू 0। ठीक है। आउटसाइड वाले प्लेट पे चार्जेस इक्वल आते हैं। एक का आंसर और बताओ गया। इस बार ये प्लस टू क्यू और ये माइनस क्यू है ना। वापस चार सरफेस 1 2 3 4 चारों का चार्ज बताओ। चारों सरफेस का चार्ज बताओ। क्यू आप स्मॉल लिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाऊंगा। कैपिटल क्यू की जगह आप स्मॉल क्यू भी टाइप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्नेहल आपका आंसर बिल्कुल सही है। सौम्या का आंसर भी सही है। अजय नहीं, अजय गलत है। आप देखो आप अजय आपने आंसर को चेक करो कि क्या तुमने दोनों प्लेट पे तुम्हारा चार्ज कंजर्वेशन सेपरेटली फॉलो हो रहा है। अमित आपका आंसर सही है। उत्कर्ष का आंसर सही है। कुणाल का आंसर सही है। ठीक है देखो कुशल का आंसर भी सही है। ये 2Q ये माइनस क्यू, तो क्यू आउट वाली प्लेट पे चार्ज कितना आएगा? दोनों का सम, तो 2Q माइनस क्यू बाई टू। कितना आया भैया? क्यू बाई टू। तो इस पे वो प्लस में, तो ये प्लस क्यू बाई टू, इस पे भी चार्ज प्लस क्यू बाई टू। ये तो बाहर वाली प्लेट पे चार्ज आ गया। अब देखना इस पे टोटल चार्ज कितना है? 2Q, इस पे कितना आया? क्यू बाई टू, तो इस पे कितना आएगा? माइनस कर लो 3Q बाई टू, है ना। इस पे कितना? माइनस क्यू। इस पे कितना? क्यू बाई टू। इस पे कितना? माइनस 3Q बाई टू। ध्यान से देखो इक्वल ऑपोजिट आने चाहिए थे, आ भी गए। सीधा ये लिख के भी ये लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू बाई टू 3Q बाई टू माइनस 3Q बाई टू और क्यू बाई टू। ठीक है अब देखना इस कंसेप्ट को मैं एक्सटेंड करता हूँ। क्वेश्चन ही दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में। तीन प्लेट्स आपके आसानी के लिए मैं इस पे चार्ज ऐसे दे देता हूँ। क्यू प्लस टू क्यू माइनस क्यू ऐसे दे दिए।
है ना। अब आपने को हर सरफेस पे चार्ज बताना है, देखना ध्यान से मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मान लेते हैं इस पे चार्ज एक्स है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, क्यू माइनस एक्स। अब मैं दो चीजें यूज करूंगा, पहले तो आमने सामने वाले चार्ज इक्वल अपोजिट होते हैं, इस पे क्यू माइनस एक्स तो इस पे माइनस ऑफ क्यू माइनस एक्स। मानते हो भाई आमने सामने के चार्ज इक्वल अपोजिट होते हैं, इस पे टू क्यू टोटल ये इतना कितना हो गया, टू क्यू माइनस के कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस एक्स तो इस पे कितना हो गया, थ्री क्यू माइनस एक्स। भाई ये ध्यान से देखो, ये खुद से करना आना चाहिए, ये चार्ज कंजर्वेशन है ना। इस पे टोटल चार्ज टू क्यू है, इसका चार्ज ये रहा तो इसका चार्ज ये रहा, इन दोनों को सम करो, देखो टू क्यू आना चाहिए, फिर इसका चार्ज ये थ्री क्यू माइनस एक्स, तो ये माइनस ऑफ थ्री क्यू माइनस एक्स, ये माइनस क्यू था तो इस सरफेस का चार्ज माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस थ्री क्यू माइनस एक्स, कितना बचा, टू क्यू माइनस एक्स। अभी मैंने क्या किया, एक का चार्ज एक्स माना, देखो एक ही वेरिएबल बचा, अच्छी बात यह है, ये बुद्धि लगा ली तो एक ही वेरिएबल बचा, इसका चार्ज एक्स तो इसका क्यू माइनस एक्स, आमने सामने के चार्ज इक्वल ऑपोजिट होते हैं, तो ये चार्ज पता है तो ये पता चल गया, इसका टोटल चार्ज पता था ये पता था तो ये पता चल गया, इसका टोटल चार्ज पता था तो ये माइनस उसका टोटल पता था तो ये पता चल गया। देखो मैंने छह प्लेट का चार्ज एक्स की टर्म में लिख दिया। अब बेटा ना किसी जगह भी लगा लो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट माना पी, इसके लेफ्ट का चार्ज एक्स है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके राइट का चार्ज, अब देखो राइट के चार्जेस का सम 1 2 3 4 5, कायदे से तो मुझे इन पांच का सम लिखना चाहिए, किसका किसका, 1 2 3 4 5, पांच सरफेसेस है, लेकिन ये दोनों इक्वल ओपोजिट हैं, इनका सम क्या आएगा, जीरो। ये दोनों इक्वल ओपोजिट हैं, इनका सम क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही कितनी भी इंटरमीडिएट प्लेट्स का पेयर बनेगा, इन दोनों का सम जीरो, इन दोनों का सम जीरो, तो बचा क्या। वैसे मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, पहला पेयर प्लस दूसरा पेयर प्लस सिर्फ ये चार बचेगा, ये जीरो ये जीरो, कितना बचा, एक्स इक्वल टू टू क्यू माइनस एक्स, यहां से आ गया एक्स इक्वल टू क्यू, कितना आ गया एक्स इक्वल टू क्यू, इस एक का चार्ज आ गया। अब आप सबका चार्ज लिख सकते हो, ये क्यू है तो इस पे चार्ज कितना आ गया, जीरो, इस पे चार्ज कितना आ गया, जीरो, इस पे चार्ज कितना आ गया, टू क्यू, इस पे चार्ज कितना आ गया, माइनस टू क्यू, इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू। देखो ध्यान से, बाहर वाली प्लेट्स पे चार्ज इक्वल है, आउटर मोस्ट प्लेट्स पे चार्ज इक्वल है, और अंदर वाली प्लेट्स पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है, जो आपको सिखाया था कि जो सबसे आउटर मोस्ट प्लेट पे चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अंदर वाली सर्फेसेस पे चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। और एक बहुत ही काम की बात बताऊं, तो ये जो क्यू आउटर आया ना, ये देखो ध्यान से, क्यू टोटल बाय टू आया, देखो ध्यान से, q प्लस टू क्यू माइनस क्यू बाई टू, कितना आ गया q, तो वहां आपने लिखा था क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, यहाँ ये आएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाई टू, बस वैसे ही करना है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं, आगे अपन नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए, सर ने ज्वाइन करिए।